Morning class. This is Anivana Physio class, in which today we will study about the remaining portion of physiology of GI system. हम लोगों ने अब तक GI system के अंदर mouth की physiology पढ़ ली, saliva के functions हमने पढ़ लिए थे. इसके बाद हम लोगों ने stomach पढ़ा, stomach की physiology पढ़ी, stomach के हमने उसके बाद जो उसके एसेसरी जो ऑर्गन्स थे, लीवर के फंक्शंस, पैनक्रियाज के, गॉल ब्लैडर के, वो सब कुछ पढ़ा. फिर हमने एक बाइल नाम की चीज़ पढ़ी, जिसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा. ये सिर्फ नाम अभी तक अपने आया था, इसे हमें डिटेल में पढ़ना है बाइल को. तो बाइल पढ़ें अपन. देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बाइल. बाइल 800 से 1200 ml पर डे हमारे अंदर बनता रहता है. एल्कलाइन नेचर का होता है. 8 से 8.6 इसकी पीएच होती है. स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से 1.011 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है. और कलर गोल्डन येलो से लेकर ग्रीन कलर इसका होता है. तो ये बाइल की जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं. इसी तरह से हमने पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की भी जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, है ना. तो अब हमने बाइल की जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं. कंपोजिशन, इसमें 97.6% तो वाटर होता है और 2.4% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर. बाइल का सीक्रीशन हमने पढ़ा था भाई, लीवर के अंदर बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. तो लीवर के अंदर बनता है मतलब इसका सीक्रीशन हिपेटोसाइट्स यानी लीवर सेल से इसका सीक्रीशन हो रहा होता है. और इसके अंदर बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और फैटी एसिड्स जैसे कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं. अधिकतर बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है. बाइल सॉल्ट में सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स पाए जाते हैं. बाइल एसिड्स के, बाइल एसिड्स के सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स पाए जाते हैं. बाइल का सबसे फंक्शंस अगर मेन पढ़े, सबसे मेन फंक्शन है एमल्सिफिकेशन. हालांकि हमने 6 टोटल फंक्शंस में लिखे हैं, पर इसका मेन फंक्शन है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट के, लार्ज फैट के मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में तोड़ना, एमल्सिफिकेशन. तो पहले एमल्सिफिकेशन चलता है, फिर लाइपेज अपना एक्शन दिखाता है. ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना. अगर आपको याद है तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी. तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाइल का फंक्शन है. दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट को एब्जॉर्ब भी करेगा हमारे इंटेस्टाइन में. कोलेरेप्टिक एक्शन भी इसका होता है. कोलेरेप्टिक एक्शन, कोलेलोग एक्शन भी इसका होता है. लैक्सेटिव एक्शन भी इसका होता है. लैक्सेटिव एक्शन, पेट की रिएक्शंस जो हैं उसको अपन लैक्सेटिव एक्शंस कहते हैं. इसके अलावा ये बाइल जो है हमारे अंदर गॉल स्टोन को के फॉर्मेशन को रोकता है. गॉल स्टोन जिसको मेडिकल टर्म में अपन कोलिथियासिस कहते हैं, उस गॉल स्टोन के फॉर्मेशन को ये बाइल रोकता है. तो ये बाइल के फंक्शंस हैं. तो अब इसमें सबसे पहले हमने कहा एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. तो बाइल सॉल्ट जो है वो फैट को एमल्सिफाई करता है, क्योंकि ये उसके सरफेस टेंशन को कम कर देगा डिटर्जेंट एक्शन की वजह से. बाइल के अंदर डिटर्जेंट एक्शन पाया जाता है, इसलिए ये फैट के सरफेस टेंशन को कम कर देगा, जिससे कि फैट मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाते हैं. दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, बाइल सॉल्ट फैट के साथ में कंबाइन होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है फैट के साथ, जिसको अपन मिसलिस कहते हैं. फिर ये जो फैट है वो मिसलिस के फॉर्म में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा. तीसरा कोलेरेक्टिक रिएक्शन, कोलेरेक्टिक रिएक्शन में बाइल सॉल्ट जो है वो लीवर से बाइल के सीक्रीशन को स्टिम्युलेट करेगा. लीवर से बाइल के सीक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है, इसको कोलेरेटिक रिएक्शंस कहते हैं. अब ये एक्शन ही कोलेरेटिक एक्शन रिएक्शन कहलाता है, एक्शन कहलाता है. फिर मैंने फोर्थ बोला था कोलेलोग एक्शन क्या होता है. ये एक एजेंट है. कोलेलोग क्या है, एक एजेंट होता है जो कि गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और बाइल को इंटेस्टाइन में रिलीज करेगा. कोलेलोग एक एजेंट है जो कि गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और बाइल को इंटेस्टाइन में रिलीज करता है. फिर बाइल सॉल्ट जो है वो इनडायरेक्टली हार्मोन के सीक्रीशन को स्टिम्युलेट करेगा,
कोलसिस्टोकाइनिन, ये एक हार्मोन है, इस हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है। इस हार्मोन की वजह से गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होता है और हार्मोन की वजह से गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से बाइल रिलीज होना स्टार्ट होता है। क्योंकि हमने कहा ना, बाइल को रिलीज करेगा तो कैसे करेगा, गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन। और गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन कैसे करता है, ये कोलसिस्टोकाइनिन नाम के हार्मोन को इनडायरेक्टली उसके सीक्रेशन को स्टिम्युलेट करता है। वो कोलसिस्टोकाइनिन जो है गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसकी वजह से बाइल का रिलीज होना वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने कहा लैक्सेटिव एक्शन, लैक्सेटिव भी एक एजेंट होते हैं जो कि डीफिकेशन का काम करते हैं, स्टूल को पास करवाते हैं। बाइल लैक्सेटिव की तरह एक्ट करता है और ये इंटेस्टाइन में पैरास्टाटिक मूवमेंट को शुरू करवाता है। तो पैरास्टाटिक मूवमेंट शुरू होने से क्या हो जाता है कि सीक्रीशन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये डीफिकेशन का प्रोसेस, एक्चुअली स्टूल पासिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट मैंने कहा गॉल स्टोन के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है बाइल। तो बाइल सॉल्ट जो है वो गॉल स्टोन को नहीं बनने देता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन को सॉल्यूशन फॉर्म में रखता है, तो इन्हीं की वजह से स्टोन बनता है। कोलेस्ट्रॉल लेसिथिन का स्टोन बनेगा और ये बाइल इनको सॉल्यूशन बनाता है, यानी स्टोन बनने नहीं देता। तो बाइल सॉल्ट की एब्सेंस की वजह से कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट हो जाता है लेसिथिन के साथ में, और उसी से ही गॉल स्टोन बनते हैं। आया समझ में आप लोगों को? इसके बाद नेक्स्ट, अब बाइल पिगमेंट देखिए भाई। बाइल पिगमेंट क्या कर रहा है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है बाइल का। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दो बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बिलीरुबिन मेजर बाइल पिगमेंट होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। ये बाइल पिगमेंट्स जो है वो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के दौरान बनता है और आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के साथ ये रिलीज हो जाएगा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है और आरबीसी के डिस्ट्रॉय, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन तब हो रहा है जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो उसके साथ ही रिलीज होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, यानी आरई सिस्टम में रिलीज होता है। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल जो बिलीरुबिन का है, टोटल बिलीरुबिन का प्लाज्मा लेवल है 0.5 से 1.5 mg पर डीएल। इस कंडीशन को जिसके अंदर नॉर्मल बिलीरुबिन से बढ़ जाए, वैसे तो होता क्या है 0.5 ही, मतलब 1 से कम होता है एक्चुअल लेवल जो है वो 1 से कम होता है। अगर 1 से ज़्यादा हो जाए बाइल का लेवल तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपर बिलीरुबिनीमिया, और अगर ये 2 mg/dL से बढ़ जाए तो कंडीशन कहलाती है जॉन्टिस। 1 mg/dL से अमाउंट बढ़ जाए तो कंडीशन कहलाती है हाइपर बिलीरुबिनीमिया, और 2 mg/dL से अगर बाइल का अमाउंट, टोटल बिलीरुबिन का अमाउंट, बाइल वर्ड ना बोलें, टोटल बिलीरुबिन का अमाउंट 2 mg/dL से ज़्यादा बढ़ जाए तो कंडीशन कहलाती है जॉन्डिस, यानी पीलिया। अब ये बाइल के फंक्शन देख लीजिए भाई, कि बाइल सॉल्ट की वजह से बाइल अपने फंक्शन करता है। डाइजेस्टिव का फंक्शन है, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, लैक्सेटिव, एंटीसेप्टिक, कोलेरेटिक, पीएच, जीआई के पीएच को मेंटेन रखना, गॉल स्टोन को बनने ना देना, ल्यूब्रिकेट करना पूरे पार्ट को, और कोलेलोग एक्शन दिखाना, जो ये सारे मोस्टली नाम हम लोगों ने पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। पर फिर भी डाइजेस्टिव का फंक्शन, तो बाइल सॉल्ट में अपन ने पढ़ाई था डाइजेस्टिव का फंक्शन, लिपिड का एमल्सिफिकेशन करना, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन भी बाइल सॉल्ट ने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है लैक्सेटिव के साथ, ये मिलकर के फैट का एब्जॉर्प्शन करवा देता है अच्छे से। एक्सक्रीटरी फंक्शन, बाइल पिगमेंट जो होता है वो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है बाइल का। दूसरे सबस्टांसेस का भी एक्सक्रीशन बाइल में होता है, जैसे कि हैवी मेटल्स, कॉपर, आयरन का, कुछ बैक्टीरिया जैसे टाइफाइड बैक्टीरिया का, कुछ टॉक्सिन्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज का भी एक्सक्रीशन होता है। लैक्सेटिव एक्शन हमने बाइल सॉल्ट में पढ़े थे कि ये डीफिकेशन करवाता है। एंटीसेप्टिक एक्शन क्या है भाई, बाइल सॉल्ट कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को ल्यूमन में रोक देता है, इंटेस्टाइन की ल्यूमन में कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को बाइल सॉल्ट रोक देता है, क्योंकि इसका नेचुरल डिटर्जेंट एक्शन होता है, तो उस डिटर्जेंट एक्शन की वजह से ये ऐसा फंक्शन करता है। कोलेरेटिक रिएक्शन में
बाइल सॉल्ट की हेल्प से बाइल सीक्रीशन जो है वो लीवर से स्टिम्युलेट होना स्टार्ट होता है ये कॉलेरेटिक एक्शन। पीएच को कैसे मेंटेन करता है, बाइल हाईली एल्कलाइन पीएच का होता है, तो ये एसिड काइम जो स्टमक से रिलीज़ हुआ था ना, स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर जो कर रहा होता है काइम, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये बाइल, और इसलिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के एक्शन के लिए ये मेंटेन रखता है। लास्ट हमने बोला था गॉल स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होने देता बाइल सॉल्ट, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेसिथिन को सॉल्यूशन फॉर्म में रखता है, बाइल सॉल्ट के एब्सेंस में कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट हो जाता है लेसिथिन के साथ में और गॉल स्टोन बन जाते हैं। इसके अलावा ल्यूब्रिकेट का एक्शन मैंने पहले नहीं बताया था, बाइल में म्यूसिन होता है जो ल्यूब्रिकेंट का काम करता है काइम के लिए, जो इंटेस्टाइन में काइम रिलीज हो रहा है जा रहा है उसमें उसको ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है, तो ल्यूब्रिकेशन का भी फंक्शन है। लास्ट कोलेलोग एक्शन, कोलेलोग मैंने बोला एक एजेंट है, गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिससे इंटेस्टाइन में बाइल रिलीज होता है। बाइल सॉल्ट में बाइल जो है वो कोलेलोग का की तरह एक्ट करता है इनडायरेक्टली, ये हार्मोन कोलसिस्टोकाइनिन के सीक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ये हार्मोन गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और बाइल को रिलीज करता है। बस ये बाइल को हमने डिटेल में पढ़ लिया, लगभग सारी चीज़ें हमारी हो गई है। अब एक लास्ट और इसकी क्लास, इस वाले जीआई सिस्टम की फिजियोलॉजी की क्लास मैं आपको लास्ट और पढ़ा दूंगी, हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर वो पढ़ लेंगे।